अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एन अदर व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इन हुआ है, जो है सितारा यासीन। सितारा यासीन के अलावा किसी को कोई टॉपिक नहीं मिल रहा कि उठें और कुछ और भी बात कर लें। खैर, वो एक अलग बात है। मैं रात से काफ़ी यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं। एक्चुअली आपको शायद बैकग्राउंड में शोर आ रहा होगा, बच्चे खेल रहे हैं। खैर, वो बात एक अलग है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों के पास दिमाग है, ठीक है, दिमाग से सोचें उस चीज़ को कि सितारा यासीन ने एक पिक्चर पोस्ट की है। अगर उसने अपने साथ डिप्रेशन में आके वाकई ये सब कुछ किया था, वो पिक्चर क्यों डिलीट की गई, ठीक है। और फिर जितने भी हेटर्स हैं, जितने भी उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लूँगी, वो सब उसके लिए रो रहे हैं बैठकर। क्यों रो रहे हो भाई? अकल नाम की चीज़ है या नहीं है? उस बंदी ने मेकअप से, वो मेकअप आर्टिस्ट है, उसने मेकअप से ये अपनी चीज़ को, मैं पिक्चर आगे मेंशन करती हूँ, उसको जूम आउट करूँगी, आप लोग खुद भी उसको जाके देख, आप लोग खुद भी देखें, खुद भी सोचें। इस पिक्चर को मैं जूम आउट कर रही हूँ आगे, तो आप लोग देखिएगा कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, प्रॉपर उसको मेकअप भी करना आता है, वो पार्लर में काम भी करती रही है। उसने सिर्फ अपनी आईब्रो को, अपनी बेस से उसको सिर्फ कवर किया है, जो आजकल टोटली मेकअप यूट्यूब पे भी सिखाया जा रहा है कि बंदा अपना फेस किस तरीके से अपने आप को चेंज कर सकता है। अकल रखते हैं आप लोग, बच्चे नहीं हैं तो फजूल में आके यहाँ पर रोने से बेहतर है। अगर तो आप लोग उसको एक्सपोज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली करें, अगर वो वीडियोज़ नहीं बना रही है तो इस तरह की चीज़ें भी पोस्ट मत करें, ठीक है। आप लोग, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल सकती इस टॉपिक के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्हें नहीं अच्छी लगी प्लीज़ वो मत देखिएगा, ठीक है ना। और एक और नया व्लॉग इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और से लेके बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होंगी जी। अल्लाह हाफिज़।